आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। जबेरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों पर मची धांधली। किसान नेताओं के साथ युवा नेता ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जबेरा धान खरीदी केंद्र में किसानों को मानक स्तर की धान समर्थन मूल्य पर बेचने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी समिति प्रबंधकों की मिलीभगत से किसानों की धान को तो मानक स्तर पर लिया जा रहा है, वहीं व्यापारियों की धान चोरी चुपके बिना जांच परखे खरीदी की जा रही है और इसे किसानों के पंजीयन में जोड़ा जा रहा है। इस तरह की शिकायतें जबेरा ब्लॉक के सभी धान खरीदी केंद्रों पर देखी जा रही हैं। इसी बात से नाराज होकर जबेरा ब्लॉक के किसानों ने अपने नेताओं व युवा नेता सचिन मोदी के नेतृत्व में दमोह कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। दर्जनों ट्रैक्टरों से कलेक्ट्रेट पहुंचे इन सभी किसानों ने अपनी आपबीती भी अधिकारियों को बताई है। जा रहे हैं आप लोग ट्रैक्टर लेकर? आज हम लोग चोपड़ा से ये ट्रैक्टर रैली निकली हुई है, तो किसानों के लिए आंदोलन छेड़ा जा रहा है। तीन काले कानून वापस लिए जाएं, एक तो ये किसानों की मांग है। दिल्ली में रहते हमारे किसान बंधु भाई बंधु हैं जो अपने परिवार सहित आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड में वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन तीन काले कानून जो किसान विरोधी है। ज्ञापन में वो मुख्य बिंदु है कि जीवन जांच है। मेरा कहना यही है कि जैसे भी नियम कानून जनता जानता है।